ठा कृष्ण श्याम नमः श्री गुरुचरण चरण कमलेभ्यो नमः स्थाने ऋषि केश त्वं प्रकृतिया जगत प्रहस्य सत्यनुرج्यते च रक्षांसि भीतानि दिशोद्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा कस्माचते न मेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षर सत्य सतत्परम यत् तमादि देवः पुरुषः पुराणस् तमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासिवेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमित् विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञान तव मयी मानम तवेदम् मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्च वहासारथम सक्तृतोसि विहोरशय्यासन भोजनेषु एकत्वाब्व्युक्त तत् समक्षं तत् पिता से लोक से चरा चर से तम से पूज्य से गुरुर्गरिया नत्समोस्तुतो लोकत्रेप्य प्रतिम प्रभाव तस्मा प्रणम्य प्रणिधा काय प्रसाद तामीश बीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियासी देव सोडो अदृष्ट पूर्वम हिस्वस्मे दृष्टवा भयन च प्रव्यथि मनो मे तदेव मे दर्श देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन निवास प्रसिद देवेश जगन निवास प्रभु आपका कीर्तन करके ही हे हर्षित जगत पाए अनुराग भी असुर भागते डर के दिशाओं में उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें ब्रह्मा के आदि बड़े सब से हो नमस्कार क्यों ना करे आपको सत्या असतिया परे इस भी हो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही आदि देव भगवन सनातन भी हो परम धाम सबको सहारा भी दो हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी समाया तुम्हें में जगत यह सभी यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम नमस्कार तुमको हजारों ही बार नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार नमस्कार आगे व पीछे से भी सब ओर से है नमस्कार ही तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभो सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो माना प्रभु तुमको अपना सखा न प्रभाव जाना कभी आपका प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी आसामने अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ भगवन क्षमा उसकी ऊँचा चाहता चरा चर जगत के पिता हो तुम्हें गुरु गुरु के भी हो पूज्य तुम्हें सम आपके कोई त्रेलो की मे बढ़कर कोई कैसे हो आप से चरणों में गिर कर प्रणाम हूँ कृपा करो मुझ विनती करो पिता पुत्र मित्र सखा मित्र पति पत्नी को करे माफ वैसे ही मुझको करो हर्षित हूँ मन भैसे है कांपता कभी देख रूप यह आपका मुझे रूप पहला ही दिखलाइए हे देवेश प्रसन्न हो जाइए हे देवेश प्रसन्न हो जाइए सखीति मत्वा प्रसम हे कृष्ण हे यादव हे सखेते अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादा प्रण्यन वापि अर्जुन के द्वारा की गई भगवान की स्तुति और उस स्तुति में अर्जुन ने भगवान को अनंत सामर्थ्यशाली संकेत किया अर्जुन ने भगवान के प्रति अपने नमस्कार निवेदित किए बार बार नमस्कार विनम्रता दिखाई अपनापन दिखाया और अब अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने पुराने संबंधों का सभी संबंधों का स्मरण करते हुए और सहजता में जिस प्रकार के उद्बोधन संबोधन अर्जुन ने भगवान गोविंद के लिए प्रयोग किए कभी सखा कहा कभी कृष्ण कहा कभी यादव तक कह दिया सखेत मत्वा युग युग्धुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेत कभी और शब्दों का लेकिन अब अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भगवान के स्वरूप को समझ ही नहीं पाया सहजता में अपनत्व में और एक बात तो प्रसिद्ध है अर्जुन और श्री कृष्ण का जो आपसी आत्मीयता का संबंध था वो बहुत अलौकिक बहुत अद्भुत और इसीलिए अर्जुन ने आगे श्लोक में यह भी तो कहा थमसत क्रतोसी विहार शैयासन भोजनेशु कृष्ण कभी अकेले में कभी सबके सामने कभी खाते हुए कभी सोते हुए कभी आपके साथ सहज वार्ता करते हुए मुझसे यदि कोई अपराध हुआ है कोई भूल हुई है प्रमाद के कारण या अधिक प्रेम के कारण और ये कई बार हो जाता है ये जो अर्जुन ने कहा कि प्रेम और प्रमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी तो कई बार होता है या तो कहीं संबंधों में भक्त और भगवान गुरु और शिष्य या माता पिता और संतान जो कहीं ना कहीं एक विश्वास कहीं ना कहीं एक सम्मान का भाव होता है होना चाहिए वहाँ कभी बहुत जब प्रेम मिलता है तो उस प्रेम में भी कभी कभी कुछ कठिनाइयाँ आने लगती या कई बार प्रमाद में हैं कुछ ऐसा शब्द बोल दिए सामने कुछ जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं किया तो दोनों कारण होते हैं प्रेम भी बहुत अधिक प्रेम के अपनत्व में और कभी कभी प्रमादवश भी जीव अनेक तरह की भूल कर जाता है अर्जुन भगवान से कह रहा है प्रभु मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ वास्तव में ये हम सब के लिए है अर्जुन ने शिष्यस्थ हम शाधिमहाम प्रपन्नम स्वीकार किया भगवान से अपनत्व का संबंध था ही शिष्यत्व का संबंध भी स्वीकार किया और उस शिष्यत्व के संबंध में अर्जुन ने खूब अपनत्व भी पाया आत्मीयता भी पाई लेकिन अब अर्जुन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से मेरे से कोई भूल हुई है तो ये नाथ मुझे क्षमा करें आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें ये हमारे लिए एक प्रेरणा है देखो तो जीवन में कभी भी एक बात हम सब ध्यान में रखें जीवन में कभी भी कहीं भी हम अपने आप को परफेक्ट ना मान लें सिद्ध ना मान लें पूर्ण सत्ता केवल परमात्मा की है हम कभी ये ना सोचें कि भूल तो दूसरों से ही होती है मेरे से कहाँ भूल हो सकती है ये अपने आप में बहुत बड़ी भूल है अगर कोई भी ऐसा मानता है ऐसा सोचता है कि दूसरे ही सब गलतियाँ करते हैं दूसरे ही सब भूल करते हैं मेरे से कोई भूल नहीं होती मेरे से कोई भूल हो ही नहीं सकती तो ये दावा कहीं नहीं करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए अपने यहाँ तो आप देखें अपनी भारतीय परंपराओं में बड़े बड़े महापुरुष हुए ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जब चाहा, जहाँ चाहा, जैसे चाहा, भगवान को अपने इशारों पर नचाया लेकिन उनके शब्दों में आप देखेंगे दैन्यता विनम्रता श्री रामचरित मानस जैसा अलौकिक ग्रंथ लिखने पर भी वह शास्त्र जिस पर स्वयं भगवान शंकर ने सत्यम शिव सुंदरम के रूप में स्याही किया अपनी मान्यता दी जिसका रक्षण भगवान राम और भगवान कृष्ण तुलसी की कुटिया के बाहर प्रहरी बनकर खड़े होकर करते रहे ऐसा श्री रामचित मानस और जिसको स्वयं श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा जिस ग्रंथ में तुलसी बाबा को मिलती रहे ऐसे ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा शास्त्र लिखने के बाद अंत में कहते हैं मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर हे रघुवर पूरी त्रिलोकी में मुझे आप जैसा कोई दीन बंधु दूसरा नहीं दिखाई देगा और आपको भी मेरे जैसा दीन कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा और जो ये अंतिम दोहों में है चौपाई आप अंतिम देखें तो वहाँ गोस्वामी जी ने अपने मन को कहा ता ही भज ही मन तज कुटिलाई राम भजे गति कहीं नहीं पाई पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन शठ मना ए मेरे छठ मन ए मेरे मूढ़ मन तो आप देखें कि उस अवस्था के महापुरुष अपने आप को किस अवस्था में देख रहे हैं और सत्य है अंदर जितनी दैन्यता लाएंगे उतनी प्रभु की कृपा दृष्टि को स्वीकार कर पाएंगे अहम से भरा हुआ अकड़ा हुआ पात्र कभी पात्र होने के योग्य भी नहीं होता कोई भी अकड़ कर कोई कहे कि मैं कुछ गुरु से पालू मैं कोई भगवान से पालू संभव ही नहीं बहुत तो धैन्यता आवश्यक है और हर महापुरुष के जीवन में सूरदास जी ने जब चाह कितने दिव्य भाव उनके जीवन के हैं लेकिन एक जगह वो अपने लिए कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी जिस तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी जिनके रोम रोम में गोपाल रमे थे वो ऐसी दीनता दिखा रहे हैं और भरत को आप देखें जिनके लिए ये कहा गया कि जग जपे राम राम जपे जय हैं रामायण सीरियल अधिकतर लोग इन दिनों देख रहे हैं और उसमें सबने देखा अनुभव किया कि भरत का प्रेम अपने आप में कितना अद्भुत कितना अलौकिक दूसरा उदाहरण नहीं उस प्रेम का लेकिन भरत अपनी दैन्यता को कैसे प्रकट करते हैं कि प्रभु शायद मेरे अवगुण देखकर नहीं मुझे स्वीकार कर रहे जौ देखे प्रभु करनी मोरी नहीं निस्तार कल्प सत कोरी भरत कहते हैं लेकिन जन अवगुण प्रभु मान न काहु दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव आज मंगलवार है और श्री हनुमान जी के जयंती का अवसर भी नज़दीक है पूर्णिमा का पक्ष आज से ही कुछ कुछ है उदय तिथि के अनुसार कल है और इसलिए हम कल मुख्य रूप से श्री हनुमान जी की चर्चा करेंगे ही भगवद्गीता के भाव के साथ लेकिन आप देखें जिस समय प्रभु राम को हनुमान जी ने प्रथम दृष्टि में ही पहचान लिया प्रथम भेंट में कौतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर ही वन वीरा जैसी पहली भेंट हुई विप्र रूप में आए कौतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर ही वन वीरा कठिन भूमि को मल गामी कवन हेतु विचरहूं वन स्वामी पहले शरीर पर दृष्टि फिर स्वामी कह दिया कि हे स्वामी इतनी कठोर भूमि पर आपके इतने कोमल चरण किस कारण से और हनुमान जी को लगा कि नहीं ये रूप अनूप जो दिखाई दे रहा है ये तो इससे भी कहीं आगे हैं और हनुमान जी की दृष्टि आगे पहुंचती है ध्यान से देखते हैं कि तुम तीन देव माँ को क्या तुम ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई दो तो नहीं हो लेकिन फिर लगता है कि नहीं ये तो देवों से भी कुछ और आगे की दिव्यता है और तब हनुमान जी कहते हैं नर नारायण की तुम दो क्या तुम दोनों नर और नारायण तो नहीं हो लेकिन फिर जब आंख बंद करते हैं फिर निहारते हैं और ये कहकर चरणों में गिर पड़ते हैं की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार क्या ऐसा तो नहीं कि अखिल भुवन के स्वामी मनुष्य अवतार लेकर आपके रूप में आए हैं इस तरह पर और चरणों में गिर पड़ते हैं लेकिन जब प्रभु राम हनुमान जी से उनका परिचय पूछ लेते हैं तब तो हनुमान जी बिलख पड़ते हैं विनम्रता दैन्यता आप देखें जो हनुमान जी प्रथम दृष्टि में ही भगवान राम के उस तत्व को पहचान लेते हैं इतनी तात्विक गहरी दृष्टि है लेकिन जब प्रभु राम पूछ लेते हैं हनुमान जी से कि परिचय आपका और तब तो हनुमान जी बिलख पढ़ते हैं ये कहकर कि मोर न्याव मैं पूछोग साह तुमका से पूछो हूँ नर की ना मैं तो जीव हूँ मैंने आपसे आपका परिचय पूछ लिया तो जीव के लिए तो उपयुक्त है और आप एक सामान्य नर की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हो और तब आप देखें हनुमान जी की दैन्यता विनम्रता एक प्रेरणा है हम सब के लिए कि हम जरा सा कुछ अधिक सेवा कर लें पाठ कर लें या कुछ शीघ्र उठ लें या कुछ भी यज्ञ तो अंदर आ, मैं तो रोज़ ये करता हूँ मैं इतनी सेवा करता हूँ मैं इतना पाठ करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं साथ हो जाती है और हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं कोई सखा नहीं कोई भक्त नहीं कोई ज्ञानी नहीं कोई बलशाली नहीं लेकिन तो भी वो क्या कहते हैं एक में मंद मोहमती कुटिल हृदय अज्ञान सत्य में जितनी विनम्रता लाओगे उतना कृपा का प्रसाद पालोगे आओ हम सब अपने अपने हृदय को खोलें ये अंदर की कुटिलताएं अंदर की कड़वाहटें ये अंदर की ईगो इसको निकालें हम बाहर ये सब अलग करें एक में मंद मोहमती हनुमान जी कह रहे हैं कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारे हों दीन बंधु भगवान एक तो मेरी ये स्थिति और प्रभु फिर आपने भी मुझे विसार दियानता विनम्रता बहुत बड़ी चीज है अध्यात्म पथ और अध्यात्म पथ का सबसे बड़ा आभूषण है व्यवहार में भी किसको किसकी अकड़ से कहाँ क्या लेना है संसार हम यदि किसी एक कारण में अहम रखे हुए हैं दुनिया में बहुत हैं हमारे से आगे किस किस क्षेत्र में अहम को पाल के जीने वाले और ये संकेत पूर्व में भी किया गया था कि आज के इस वातावरण में ये कोरोना वायरस के इस आतंकित आशंकित वातावरण में सब दुनिया देख रही है कि बड़े बड़े अहम में पलने वाले देश हर समय अपनी ईगो की मुट्ठी को कस कर रखने वाले देश आज क्या स्थिति है असहाय विवश बेबस प्रकृति की एक मार ने सबको विवश कर दिया हाथ जोड़ने के लिए सर झुकाने के लिए और आज जब ये समाचार मिला कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना के कारण से आईसीयू में शिफ्ट कर दिए गए भगवान से प्रार्थना भी की कि प्रभु कृपा करो सब पर कृपा करो सभी सुखी हो सभी निरोगी सब पर आपकी कृपा हो लेकिन आप देखें कहा प्रकृति या परमात्मा किसी के अहम की दाल को गलने देते हैं और यही वह समय है जब पूरे विश्व को मान लेना चाहिए जान लेना चाहिए स्वीकार कर लेना चाहिए कि ईश्वरीय सत्ता के आगे किसी के अहंकार की कोई महत्ता नहीं कोई इम्पोर्टेंस नहीं तनेक भर अर्जुन विनम्रता पूर्वक भगवान से क्षमा मांग रहा है और ये संकेत किया जा रहा था कि कभी भी ये ना माने कि हमारे से कभी भूल हो ही नहीं सकती भूलें तो सब दूसरे करते हैं भगवान से बार बार अपने हृदय को खोलते रहे प्रभु से नित्य प्रति संकेत करते रहे कि प्रभु कोई भी त्रुटि किसी प्रकार के व्यवहार की किसी रूप में भी मुझसे हुई है आप मेरी उन त्रुटियों को क्षमा करते रहे इस भाव को हम आगे लेते हैं कुछ जिज्ञासाएं हैं ये दो तीन जिज्ञासाएं कल की हैं सुजीत कपूर प्रतिकूलता का कारण यदि अपना ही मन या परिवार हो तो मनुष्य क्या करे देखो जहां तक अपने मन की बात है मन को और सजग करो मन को और जाप में लगाओ गीता पाठ में लगाओ मन की स्थिति को कुछ डाइवर्ट करो सकारात्मक भाव मन को कोई सही ट्रैक पे लाओ अपने प्रयास से उद्धरेदात्मना आत्म ना आत्मानम अपने आप से अपने आप को उठाना होगा अपने मन को स्वयं समझाना होगा और जहाँ तक परिवार की बात है कोई प्रतिकूलता है प्रयास करें अपनी सद्भावना के साथ उसे दूर करने का मिल बैठें परिवार में कोशिश करें नहीं तो प्रभु से प्रार्थना करें अपने मन को अशांत किए बिना बहुत अधिक उसमें उलझे बिना शांत मन से ही समाधान कहीं ना कहीं सामने आते हैं चौदवें अध्याय का पांचवां श्लोक रोहित चौधरी ने कल की जिज्ञासाओं में ही शेष था सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति संभव निबंधन महाबाहो देह दे नमो व्यय सत्व रज और तम ये तीन गुण है बस एक मिनट में ही इसको आप समझ लें तमो गुण का जब बहुत प्रभाव बढ़ता है तो अधिक निद्रा किसी भी काम को लंबा खींचते रहना परमाद, आलस से आलसी बनकर पड़े रहना किसी कार्य में सक्रियता ना होना ये तमोगुण के लक्षण हैं और साथ ही साथ हर समय उल्टी सोच न खाना पीना शुद्ध न बोलना अच्छा ये सब भी तमोगुण के लक्षण हैं या बोलना नहीं सुस्त पड़े रहना और बोलना है तो एकदम आवेश में तीखेपन में कि तमोगुण हावी होता है तब ये सब होता है रजोगुण बहुत अधिक कर्मों की रुचि बुरी नहीं है लेकिन कर्म जब ईगो में भर के होते हैं लोभ में भर के होते हैं द्वेष में भर के होते हैं तो वो रजोगुण का लक्षण है और सतोगुण उन्हीं कर्मों को जब हम ईश्वरीय भाव के साथ करना प्रारंभ कर देते हैं रुचि खाली समय में आप देख सकते हैं कि जब खाली बैठे हैं आप कोई बहुत काम नहीं है और इन दिनों तो समय है ही बैठे बैठे यदि रात भी अच्छी नींद ली हुई है फिर बैठे बैठे क्या करें जी बस गर्दन लुढ़क गई फिर पता ही नहीं कब दो घंटे निकल गए नींद में तो तमोगुण खाली बैठे बैठे किसी को छेड़छाड़ व्यर्थ के काम नहीं कोई काम तो भी कुछ निरर्थक से कर रहे हो रुचि रजोगुण बड़ा हुआ है और खाली है मन में आया कि कुछ पाठ कर लें कुछ पूजा कर लें कुछ सुमिरन कर लें कुछ गीता प्रेरणा कुछ गीता अध्ययन कुछ और कर लें तो समझो सब सतोगुण है लेकिन तीनों गुणों को बंधन का कारण बताया गया तमोगुण तो बंधन है ये बहुत नींद लोग उचित नींद तमोगुण को कम करती है लेकिन बहुत अधिक नींद तमोगुण को बढ़ाती है उचित कर्म रजोगुण का शमन करेंगे लेकिन लोभ अहम आसक्ति ईर्ष्या, द्वेष ये कर्म रजोगुण और बढ़ाएंगे तो बंधन होगा सतोगुण के बंधन का कारण बताया इसलिए कि अगर सतोगुणी कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं दान कर रहे हैं तप कर रहे हैं भजन कर रहे हैं उसमें भी कहीं अपनी ईगो जोड़ ली कहीं सकाम भावना जोड़ ली तो वो का भी कार्यविबंधन के कारण बन जाएंगे इसलिए इन सब से ऊपर कहा गया कभी कभी मेडिटेशन कभी कभी ध्यान में मन को लगाओ ध्यान की स्थिति बनाओ जो पात्र नहीं फिर भी उनके पाँव छूते हैं क्या हमें भी छूने चाहिए देखो ये आप निजी देख लें जहाँ आपके अगर भावना नहीं बैठती तो मन में ईर्ष्या द्वेष न रखो जहाँ जिसकी भावना है इसको बहुत गहराई से न लेकर आप अपने भाव के साक्षी बने बस नौवें अध्याय का उनतीसवां श्लोक समोह हम सर्वभूत ईश्व नाम प्रिय भगवान कहते हैं मेरे लिए सब बराबर हैं ये शांतनु वैशाली शिरडी मेरे लिए सब बराबर हैं किसी से द्वेष नहीं क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब भगवान की सृष्टि के जीव हैं भगवान के बने हैं इसलिए भगवान कहते हैं सब बराबर हैं लेकिन आगे ये भजनते तो माम भक्त या मैं ही ईशु चाप्या जो मेरे ही आश्रित रहते हैं मेरे भक्त वो मुझे प्रिय हैं विशेष तो स्वाभाविक सी बात है माँ के लिए सब बच्चे प्रिय होते हैं लेकिन जो गोदी का बच्चा होता है जिसको माँ खिलाती है तो खाता है उसका तो माँ को विशेष ध्यान रखना ही होता है लाडला बच्चा जब भगवान के लाडले बन जाए तो निश्चित है भगवान की विशेष दृष्टि भगवान श्री राम ने बाली को छिप कर क्यों मारा देखो देखो वो एक बात सीधी सीधी थी सुग्रीव ने पूर्व में स्पष्ट भी कर दिया था कि बाली के पास पूरा उस समय ये ऐसी कोई परंपराएं थी कि तप के द्वारा या कुछ किया तो आगे देव ऋषि वर देते थे तो बाली के पास ये वर था कि जो भी सामने आएगा उसकी आधी शक्ति का हरण हो जाएगा बाली कर लेगा क्षमता थी उसके वर की यद्यपि भगवान इससे अतीत थे लेकिन तू तो भी किसी के दिए हुए वर की भी लाज बची रहे और अधर्म की समाप्ति भी हो जाए तो ये अनुचित नहीं था उनका ये कदम मन मनोभव मद भक्तों जी माम नमस्करु ये अजय लिखते हैं अजय शर्मा देखो ये बात दो बार गीता जी में आया एक वाक्य है, श्लोक का पूर्वार्थ उत्तरार्थ दोनों में अलग है नौवें अध्याय का अंतिम श्लोक और अठारवें अध्याय का पैंसठवां श्लोक मन मना भाव भगवान में मन लगाने वाला हो जा मद भक्ता मेरा भक्त बन मन से ये मान लो कि मैं प्रभु का प्रभु मेरे भक्त का अभिप्राय अपनत्व और अपना तो इसी से होगा मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान मध्या जी मेरी पूजा भगवान कहते हैं पूजा हर कर्म को पूजा बना लो हर कर्म उनके निमित्त करना प्रारंभ कर दो जो नियम से आपका पूजा पाठ है वो करते रहो लेकिन व्यवहार में हर कर्म को प्रभु की पूजा और माम नमस्कुरु की बात तो चल ही रही है प्रभु को प्रणाम अंदर विनम्रता दैन्यता आम रही थी स्थिति ही माम नमस्करों की स्थिति है पंद्रह अध्याय के एक दो श्लोकों की व्याख्या की बात आई है तो इसको हम कल ले लेंगे इसमें समय लगेगा क्षेम की चर्चा रेणु नागपाल की ओर से संकेत है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कल स्पष्ट कर दिया गया था ये शरीर जैसे खेत कल शायद नहीं सुना किसी और की जिज्ञासा भी थी ये शरीर जैसे खेत होता है वो जड़ है चलाने वाला किसान उसको चलाता है ऐसे ही शरीर जड़ है क्षेत्र है अंदर जो आत्मा है क्षेत्रज्ञ के रूप में वो चेतन है वही इसका संचालन करती है खेत में जैसे बीज डाले जाएंगे फसल वैसी होगी किसान तो हल चलाता है बीज डालता है ऐसे ही क्षेत्रज्ञ की चेतना है आगे इंसान जैसे कर्म करेगा फल वैसा होगा मन में पाठ में नहीं लगता ऐसे लगता है कि जैसे कभी भी कुछ हो जाएगा सृष्टि में हर्ष छापड़ा देखो ये अगर आशंकाओं में जीते रहोगे मन ये मन तो एक है ना आशंकाओं में मन को लगाए रखोगे तो मन उसी में उलझा हुआ रह जाएगा उससे हटाओ मन को ये इतना इस रूप में सत्संग सुनकर अर्जुन की स्तुति बार बार पढ़ो आशंकाएं प्रभु पर छोड़ो सृष्टि उनकी है उन्हीं के इशारे पर चल रही है बस उनसे प्रार्थना करें और अपने आपको पा, पाठ में लगाएं नौवें अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं न मैं किसी में हूँ ना कोई मेरे में है तो लेकिन दसवें अध्याय के दसवें श्लोक में मैं सब जीवों में आत्मा रूप में दसवें के दसवें में नहीं ये दसवें के बीसवें में कहा है सब रूप देखो परमात्मा सब में है ये बिल्कुल सत्य है लेकिन भगवान का ये कहना कि मैं किसी में नहीं, नहीं ना कोई मेरे में है ये उनकी निर्लिप्तता है अनाशक्ति का भाव है वो हैं भी नहीं भी हैं उनकी चेतना का करंट जैसे सूर्य ऊपर है नीचे पानी का टब है सूर्य का प्रतिबिंब भी आ रहा है सूर्य के ताप से प्रकाश से पानी गर्म भी हो रहा है लेकिन सूर्य है भी और नहीं भी ईश्वरीय चेतना का प्रतिबिंब निश्चित सबके अंदर है लेकिन ईश्वरीय सत्ता उससे बिल्कुल निर्लिप्त है सबके अंदर हैं भी लेकिन होते हुए भी किसी में नहीं हैं तो अभी ये दो तीन जिज्ञासाएँ और हैं इसको भी कल ले लेंगे भगवद्गीता में चार प्रकार के भोजन कहे गए हैं पचामम चतुर्विधम ये चार प्रकार के भोजन होते हैं कुछ चबा के खाने वाले भोज्य चोशे लेह इस प्रकार से कुछ चबा के खाने वाले हैं कुछ भक्ष्य होते हैं कोई भोज्य होते हैं कोई निगलने वाले होते हैं कुछ चूसने वाले होते हैं कुछ चाटने वाले होते हैं ये ऐसे चार प्रकार के भोजनों का विभाजन होता है तो किसी भी प्रकार का भोजन है कुछ चाट कर कुछ चीज़ें खाते हैं कुछ सीधी निकलते हैं कुछ चूसते हैं कुछ चबाते हैं और आप व्यवहार में भी देखेंगे भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह ये चार भेद हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम तो सबके पाचन शक्ति के रूप में परमात्मा ही हैं मृत्युंजय मंत्र में बंधनान है या बंदनात? देखो जैसे भगवत गीता तय थे दे धे ने ये शब्द है ना भगवत भी बोलते हैं लेकिन इकट्ठा गीता भी श्रीमन नारायण वहाँ नए शब्द का प्रयोग है लेकिन श्रीमद नारायण नारायण तो ये स्वर जो हैं केवल उतना ही अंतर है जब संधि छेद होता है तो उसमें तय हल लग जाता है और जब पूर्ण वाक्य होता है तो बंधनान तब शब्द का स्वर ये भी आ सकता है ध्यान के संबंध में कोई अनुभव के प्रश्न यदि हों देखो तो अनुभव की चर्चा तो कभी जब सामने अमित यादव होंगे तो उसकी बात हो सकती है कि कैसे अनुभवों की चर्चा आजकल एक परंपरा है कि अपने अपने अनुभवों को टीवी में सबके सामने प्रस्तुत करना आ, अंदर के अनुभव या वो उसमें कहीं ना कहीं औरों को प्रेरित करने की सबकी भावना हो सकती है लेकिन हमारे विचार में जो अनुभव की बातें होती हैं ध्यान के कुछ है, तो वो गुरु शिष्य का निजी भाव है तो उसको कभी भी आप स्पष्ट कर सकते हैं अभी आज के सत्र में इतना ही और आज भी हनुमान जी महाराज की कुछ हमने चर्चा की आज मंगलवार भी है और श्री हनुमत जयंती का भी कुछ कुछ भाव आज भी लेकिन उदय तिथि के अनुसार वैष्णव परंपरा में क्योंकि उदय तिथि को अधिक मान्यता दी जाती है उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का पक्ष कल है पूर्णिमा की रात्रि आज है तो उस अनुसार हम कल ही और हनुमान जी महाराज परम वैष्णव परम भागवत हैं ही हैं तो कल श्री हनुमान जयंती कल श्री हनुमान जी महाराज की कुछ और गीता में हनुमान जी हैं हनुमान जी में गीता है तो उसकी भी कल हम कुछ चर्चा करेंगे इस स्तुति प्रसंग के साथ भी हनुमान जी का भाव लेंगे कल और कल के दिन के लिए 11 बजे आप सब जहाँ जहाँ भी हैं अपने अपने स्थान पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ अकेले करें परिवार के साथ मिलकर के करें या उसे और आगे शेयर करें औरों को प्रेरणा दें श्री हनुमान चालीसा का श्री हनुमान जी का जयंती दिवस है तो उस दिन हमारी परंपराओं के परम देव हैं और स्वयं ऐसी भी उनकी लीलाएं हैं कि भगवान कृष्ण के साथ संबंधी क्योंकि वो चारों युग प्रताप तुम्हारा ऐसे देव भी हैं तो 11 बजे हनुमान चालीसा का पाठ और जो कर पाएँ अच्छा रहेगा आज शाम को या कल भी सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को अति प्रिय है वो भी करें कल राष्ट्रीय गौधन महासंघ की ओर से एक आह्वान भी किया गया है कि सभी गौशालाओं में कल परिवारों में या निजी रूप में हनुमान चालीसा पाठ और गौशालाओं में घृत से गाय के गोबर की संविधा से कल हवन के लिए आह्वान और हमें प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय गौधन महासंघ के इस आह्वान में देश के लगभग हर प्रांत के कल हजारों हज़ारों गौशालाओं में कल एक ही समय में 11 बजे इस कोरोना वायरस के भय को समाप्त करने के लिए एक साथ यज्ञ होगा गौशालाओं के प्रतिनिधि जो भी सुन रहे हों या अपने अपने नगर की गौशालाओं में आप ये संदेश भेज पाएँ तो और अच्छा रहेगा या कोई यदि जा के भी अपने कृष्ण कृपा परिवार के जो साथी हैं वो जा के भी गौशालाओं में हवन करवाएं तो और भी हाँ लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति को सुरक्षित रखते हुए आप गौशालाओं में हवन घर में हनुमान चालीसा पाठ और अपने आप को सात्विक भाव में लगाए रखें भगवान कृपा करें आप सबका ये भाव सद्भाव और भक्ति भाव बहुत शीघ्र परिणाम लाए ला भी रहा है अपने देश में और अधिक लाए और आने वाले दिनों में कोरोना भय पूरी तरह से समाप्त हो पाए ओम शांति 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 सबको जय श्री